12 बजे पक्का? सुनो ध्यान देना, 12 जे दिन के 12 और 12 बे रात के 12। श्री राम का जन्म हुआ था, बजे थे दिन के 12। श्री राम का जन्म हुआ था, बजे थे दिन के 12। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, बजे रात के 12। 12 बे 12 बे 12 और भैया बावन भगवान का जन्म हुआ था, बजे थे दिन के 12। बावन भगवान का जन्म हुआ था, बजे थे दिन के 12। और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया, बजे रात के 12 बे 12 बे 12। सुनिए, बावन भगवान का जन्म हुआ था, बजे थे दिन के 12। और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया, बजे रात के। अर्जुन ने मछली को भेदा, हाँ अर्जुन ने मछली को भेदा, बजे थे दिन के 12। अर्जुन ने मछली को भेदा, बजे थे दिन के 12। और पांचांग उठा के देखो, राशि होती 12 12 बे 12 बे 12। कहते हैं कि यहां पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ, आखिर नरिहर के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। हिरण्यकश्यप जब मारे गए, भगवान की बड़ी सी जीभ, बड़े बड़े नाखून, सब लोग पीछे हटने लगे, तो लक्ष्मी मैया ने देखा कि हमारे महाराज पति देव हैं, बड़े गुस्से में हैं, क्या करना है। तो कहावत है, और कहावत क्या, यह सच्चाई है, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो और औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। लक्ष्मी सोचने लगी कि मैं जा रही हूं, जैसे ही देखो जाए के तो भगवान लक्ष्मी को देख के अट्ठा हंस करके हंसे, इतनी तेज हंसे सो दो चार पटकी तो रस्ते भी लग गई, पीछे तो मुड़के देखो ही ना, ऐसो स्वरूप तो हमने भगवान को कभी ना देखो। लक्ष्मी जो होती है ना, महाराज लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, क्या है? और लक्ष्मी जी की पूजा कब होती है? दीपावली पे। लक्ष्मी की जो सवारी है उल्लू, उसने एक बार सवाल किया कि मैया तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई न पूजे। बोले मेरी पूजा कब होती है? दीपावली पे। मैया लक्ष्मी ने जवाब दो, जा
दीपावली से 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। दीपावली से 11 दिन पहले एक त्योहार होता है, कौन सा बोलो? करवा चौथ। जितने दुनिया के उल्लू हैं सब करवा चौथ के दिन पूजे जाते हैं, बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा माताओं जरा हाथ उठाना, कौन कौन व्रत रहती करवा चौथ में? हाथ उठा, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं रहती हो, आप हाथ नहीं उठाया, ये ठीक है। ये माताएं जो होती है ना, एक साल तक तो पति को जीने नहीं देती ढंग से, एक साल तक पति को ढंग से नहीं जीने देंगी, और एक साल बाद एक व्रत कर लेंगी सो मरने भी नहीं देंगी। अब बेचारा पति जाए तो जाए कहां, और बेचारे कछु कछु पति ऐसे भोले वाले होते हैं, सो पत्नी अगर व्रत रहे ना पूरे घर को झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब खुद ही कर लेते। हमारी श्री देवी आज व्रत है, हमारे लिए लंबी उम्र की कामना कर रही है। महाराज लला निर्दोष कहते हैं कि यहां भगवान ने प्रह्लादों को गोदी में बिठायो, परीक्षित प्रभु में और भक्त में इतना प्रेम है, भगवान नरसिंह अपनी जिभ्या के द्वारा प्रह्लाद को चाटने लगे। देवतागण देख रहे हैं, अब भगवान के नाखूनों में मची खुजली, तो भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए, खुजली शांति हो गई। उमर के वृक्ष ने जवाब दिया, महाराज आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। तो भगवान बोले, जा मैं तुझे वरदान देता हूं, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान ने वरदान दिया, और वरदान देकर के प्रभु अपने धाम के लिए जाते हैं। प्रह्लाद की तीसरी पीढ़ी पर, प्रह्लाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन। महाराज विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। महाराज ये वही बलि हैं जिन्होंने 101 यज्ञ करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था, ऐसा था वो राजा। देवताओं की मां का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप, और राक्षसों की मां का नाम है दिति, पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों के और देवताओं के माताएं अलग अलग थी, पिता एक ही थे। महाराज जब ये बलि सिंहासन पर बैठे थे, इनके गुरु थे शुक्राचार्य जी, अब राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो देवताओं की मां अदिति ने और कश्यप ने तपस्या की है। तपस्या में लीन बैठे हैं, लिखा है दादा, अरे बैठे ही तपधारी दादा करे तपस्या भारी मिरना करे तपस्या भारी Thank you.
चरण में ऐसे बैठे। दोनों भजन में ऐसे बैठे, तन मन धन सब वो खो बैठे। बैठे ही तपधारी निरन अवध तरे तपस्या भारी दादा। बोली बाल कृष्ण भगवान की। सौ रुपये श्री शैतान सिंह मास्टर साहब उनकी धर्म पत्नी 100 रुपये से सम्मानित कर रही हैं और समस्त स्टाफ को 20-20 रुपये से सम्मानित कर रही हैं। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जो भी इच्छाएं हों वो पूर्ण हों। एक कन्हैया से विलासा और आकांक्षा है भैया में और भाभी में खट्टू पट्ट न हो, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, विलासा और आकांक्षा है। मेरे भैया तपस्या की है तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले माँ मैं तपस्या पर प्रसन्न हूं, तू हम संवरदान मांग ले। तो मैया आदिति ने जवाब दियो कि प्रभु आप अगर कुछ देना चाहते अगर प्रसन्न हैं तो एक वरदान दे दें। कौन सा? नाथ आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए, आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए।
भगवान मुस्कराए के बोले, मैया हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में उना है और तू हमें ही मांग रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। हे माताओं शांति बनाए रखिए, आप बात मत कीजिए, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। जहां जगह मिले कायदे से बैठिए आप। महाराज भगवान बोले कि मैं जब इतनी तपस्या की है तो मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। और जरा ध्यान देना माताओं, अगर एक मां गर्भावस्था में तीन बातों का ख्याल रखे तो भगवान नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। गर्भावस्था में अगर एक मां तीन बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों और उनके स्वरूप का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, जो मां गर्भवती हो वो सुबह उठकर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 1 या 2 किलो जौ या गेहूं जो गांव में चाकी पाई जाती है उससे पीसे 4 बजे उठ के। और दूसरी बात, सुबह उठकर के 21 या 11 परिक्रमा मैया गाय के लगाए। तीसरी बात, शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। आप लोग सोच रहे बड़ा आसान है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जो मां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर के गर्भावस्था में जो चाकी चलाती है ना, तो जिस तरीके से चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। दूसरी बात, जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी सेम आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है, वो असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। जो मां सुबह उठकर के 21 या 11 परिक्रमा गर्भावस्था में गाय के लगाएगी तो उस समय एक मां मथुरा वृंदावन दाऊ जी वर्षाने गोकुल श्री वैष्णो देवी हरिद्वार कहीं नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठे ही मां के शरीर में जो गाय होती उसके शरीर में 33 कोट देवी देवताओं का निवास होता, घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करे। रही दूध की बात, तो जो गाय का दूध होता है उसमें बड़ा बुद्धि बड़ा ज्ञान बड़ा विवेक होता है, तो अगर मां सेवन करेगी तो उसका पूर्ण असर आपके बच्चे पर पड़ेगा और आपका बेटा हो चाहे बेटी बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी पैदा होगा। 9 महीने तक किसी की भी बुराई न करे हो सके तो, और गलत संगति पे ना बैठे। एक बात और, आजकल मैंने देखा है कुछ माताएं होती जो साड़ी बांधती है ना, वो इधर पहले तो माताएं सही ढंग से भी बांधती थी, अब तो अब अजीब तरीके से, कहने में भी अब अजीब ही लग रहा है, तो अजीब तरीके से ही बांधती है। आपको पता है गर्भावस्था के समय अपना पेट खोल के आप कहीं नहीं जा सकती है गर्भावस्था के समय, और हो सके तो जिस समय गर्भधारण हो तो आप मायके में भी न जाएं, क्योंकि जो कंस था ना, कंस तो कंस था, उसकी मां पवन रेखा गर्भावस्था में ही मायके गई थी, तो गर्भ खुला था मतलब पेट खुला था, तो बाग में घूमने के लिए गई, वहीं पर एक दुर्मिलिक नामक राक्षस की सिर्फ निगाह पड़ी। ऐसा नहीं है कि संभोग हुआ, लोग कहते हैं कि दुर्मिलिक नामक राक्षस ने संभोग किया तब कंस पैदा हुआ, नहीं महाराज, सिर्फ निगाह पड़ी है और निगाह पड़ते ही वो राक्षसी प्रवृत्ति का कंस पैदा हुआ, बोली गोविंद भगवान की। इसलिए अच्छे से साड़ी बांधे, अब तो साड़ी का मामला ही खत्म होता जा रहा है,
पहले जब हमारी माताएं बैठी हैं, जब बच्चा अगर मुंह धुलती थी ना बच्चे का, तो अपनी साड़ी के पल्लू से ही मुंह पोंछ देती थी, है ना। आज भी हम कभी कभी ऐसी हरकत करते, अगर मुंह धुल के निकले और माँ रास्ते से निकल रही हो तो माँ का पल्लू पकड़ के मुंह पोंछ लेते हैं हम खुद। लेकिन अब पल्लू बचो ही ना, लोअर टी शर्ट पहने घूम रही तो पल्लू आएगा कहां था। अब लोअर टी शर्ट पहन के जींस पहन के घूमेंगी तो पल्लू कहां से आएगा। माँ की आंचल की छाया बच्चे पे पड़नी बहुत जरूरी होती है, बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज जब